वहीं ग्वालियर के गोला का मंदिर थाना क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां एक नाबालिग लड़की ने अपनी मां और बहन को आलू के पराठे में नींद की गोलियां खिलाकर प्रेमी संग में फरार हो गई। मामला गोला का मंदिर थाना इलाके के नारायण विहार का है। बताया जा रहा है कि लड़की का किसी से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते माता पिता ने मुरार निवासी एक युवक से बेटी की सगाई कर दी थी, लेकिन गुस्साई लड़की आलू के पराठे में नशीली दवाई खिलाकर प्रेमी संग भाग गई। घर से 2 लाख रुपए के पुश्तैनी सोने चांदी के गहने और 1 लाख रुपए नकद भी गायब है। फिलहाल पुलिस परिजन की शिकायत पर मामले की जांच में जुटी है। एक प्रकरण आया है नारायण विहार से, नाबालिग बच्ची अपने घर से जेवर लेकर ऐसा कुछ चली गई है, कहाँ गई है ये प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी विवेचना की जा रही है। जो भी तथ्य आएंगे आगे बताया जाएगा। घर से जेवर लेकर ये तो अभी तथ्य जांच में आएंगे सामने, बाकी ऐसे जेवर ले जाने वाली बात आई है, बाकी सारे जो तथ्य जांच में सामने आएंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा।